प्रॉब्लम ये है कि हमारा 3 महीना के लगभग हो चुका है, यहाँ पे टंकी एक टूट चुका है, वो रिपेयर नहीं हो रहा है, जिसकी वजह से हमें पानी जो है एकदम नहीं मिल रहा है। कंप्लेन करने से 2-3 दिन ऐसे दे रहे हैं, वो भी यानी सफिशियंट पानी नहीं मिलता है हम लोग को। और उसके बाद कभी कभी तो पूरा ही बंद रहता है, 2-3 दिन ऐसे बंद रहता है, कभी कभी शाम को नहीं मिलता है, तो ये प्रॉब्लम है। कई बार हम लोग का कंप्लेन गया है, अभी भी गया है, जब भी पानी बंद होता है तो हम लोग यानी यहाँ पे कंप्लेन करते हैं आके, लेकिन कोई ऐसा एक्शन होता नहीं है। 2 दिन पानी आ रहा है, उसके बाद फिर बंद हो जा रहा है, करीब 3 महीना होने जा रहा है, कोई सॉल्यूशन नहीं है। आप अंदर में जाके देख सकते हैं, अभी भी टंकी वैसे के वैसे टूटा हुआ ही है। 3 महीना में टंकी बन जाना चाहिए, लेकिन अभी भी कुछ रिपेयर नहीं हुआ है। कंप्लेन करने से एक ही प्रॉब्लम होता है कि हाँ ठीक हो जाएगा, बस 2-3 दिन का प्रॉब्लम है, सॉल्व होकर कितना दिन, 1 महीना 2 महीना 3 महीना तक हम लोग देखें। अब ठंडे में ऐसा है तो समर है आगे, को डिमांड कुछ नहीं। पहले जैसे हम लोग को दोनों टाइम पानी मिलता था, सफिशिएंट वैसा पूरा पानी हम लोग को चाहिए, और हम लोग को और उससे ज़्यादा पानी हम लोग नहीं मांग रहे हैं। हम लोग को जैसे पहले मिल रहा था वैसे पानी हम लोग को चाहिए। आदमी लोग को ड्यूटी जाने नहीं, वो लोग तो चल जा रहे हैं, हाँ इनके आदमी ड्राइवर है, मेरे गार्ड है, ठीक है, हम लोग नहीं भेजते हम लोग को उनको ड्यूटी, तब पता चलेगा। हम लोग भी नहीं भेजेंगे, बच्चे स्कूल, हम लोग पानी ढो ढो के लेके आ रहे हैं, पानी दे रहे हैं, बच्चे लोग भी खुद सुबह फिल्टर हाउस में पानी इतना जा रहा था, मेरी बेटी 5 साल की, वो घर में पानी नहीं है मम्मी, और यहाँ पर इतना पानी वेस्ट। हम लोग IW तक गए, AN सर को भी फ़ोन किया, सब बोल रहे हैं हाँ सॉल्व हो रहा, सॉल्व हो रहा, कितना दिन सर सॉल्व होगा। हम लोग सर पेशेंस नहीं है हम लोग को सर देखने के लिए, बहुत हो गया, इसलिए हम लोग सुबह 8:30 बजे से यहीं पर खड़े, कोई आया नहीं, कुछ नहीं। अगर इसके बाद अगर कुछ सॉल्यूशन नहीं निकला तो हम लोग फिल्टर हाउस में ताला मार देंगे, अभी ताला मार के हम लोग रख देंगे, और कहीं पानी सप्लाई होने नहीं देंगे, जब हमला नहीं हो रहा है तो कहीं मत। कोई नहीं आया, कोई नहीं आया, जबकि रमना भैया हम लोग को और पानी टंकी सप्लाई किए, हम लोग पानी टंकी तो सप्लाई करिए कम से कम। कुछ भी नहीं किया गया भैया, कुछ भी नहीं किया गया है। हाँ कुछ लेडीज लोग मेरे को सवेरे फोन करके बुलाए हैं, तो जब डेली कल भी कुछ लेडीज, एक लेडीज फोन करके बोली कि पानी तो नहीं आ रहा भैया, हमारे यहाँ कुआं है उसको साफ करा प्रवासित करता हूँ, और कुछ दिन पहले भी एक आध टैंक भी भेजा था। तो रेलवे कॉलोनी में ये समस्या 27 नवंबर से हो रहा है, और उसमें एक टैंक बड़ा था वो टूट गया, अचानक धसा गया, तो अचानक तो नहीं धसका होगा तो कुछ लोग बोलते हैं कि नहीं रेलवे स्टाफ लोगों कुछ कारणवश कुछ मैंने रेलवे का डेवलपमेंट हो रहा उसे ही जानता हूँ, और सच्चाई अगर रेलवे डेवलपमेंट के लिए तोड़े हैं वो एक अलग बात है, अगर टूट गया है धसक गया है, अगर धसक गया तो इसका होगा जिसके चलते रेलवे प्रशासन जिम्मेदार है, उन लोगों को मेंटेनेंस करना चाहिए था, वो नहीं किए, जिसके चलते आज बेचारे लोग सवेरे नहाने वो नहीं रहा, रनिंग स्टाफ सबसे ज़्यादा रेलवे कॉलोनी में रनिंग स्टाफ लोग रहते हैं जो नहा नहीं पा रहे हैं, नहा लाएंगे, गार्ड ड्राइवर लोगों का बहुत संख्या है, स्कूल बच्चे लोगों बहुत परेशान हो रहे हैं।